1 of class 7, that is nutrition in plants. So these topics we will be discussing in the chapter: introduction, modes of nutrition, autotrophic mode of nutrition, heterotrophic mode of nutrition, heterotrophic mode of nutrition ke further types hain, parasitic, insectivorous, heterotrophic, and in the last hai hamara symbiotic relationship. Theek hai, so we'll start with the introduction of this. न्यूट्रिशन इन प्लांट्स. सबसे पहले देखो न्यूट्रिशन होता क्या है. देखो हम खाना खाते हैं, क्या होता है, खाने से हमें एनर्जी मिलती है, तो प्लांट्स को भी तो एनर्जी चाहिए वर्क करने के लिए, फर्दर ग्रो करने के लिए उसे भी न्यूट्रिएंट्स चाहिए, खाना पीना सब कुछ उसे चाहिए. तो न्यूट्रिशन होता क्या है, हम जो फूड खाते हैं, इनटेक ऑफ फूड, लेकिन जब बॉडी उसको यूटिलाइज करेगी तब न्यूट्रिशन की प्रोसेस पूरी होगी. ठीक है, एंड इट्स यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी. ठीक है, यूटिलाइजेशन का मतलब क्या है, यहाँ पे यूटिलाइजेशन का मतलब है जब उस खाने का बॉडी हमारी यूज करेगी, उसे प्रॉपर यूज में लाएगी, उसका यूज करके एनर्जी प्रोड्यूस होगी और हमें प्रॉपर अपना फंक्शन करने के लिए एनर्जी मिलेगी. तो न्यूट्रिशन का मतलब क्या है, इनटेक ऑफ फूड इन द बॉडी एंड इट्स यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी. ठीक है, ये है तुम्हारा न्यूट्रिशन. अब न्यूट्रिशन प्लांट्स हमें सिर्फ इस चैप्टर में पढ़ना है. तो प्लांट्स में भी न्यूट्रिशन दो टाइप का होता है. ठीक है, सेकेंड टॉपिक है मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन. मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन प्लांट्स में दो मोड्स हैं. मोड्स का मतलब क्या है, कितने टाइप्स, मतलब कितने टाइप से प्लांट्स जो है खाना खा सकते हैं, बना सकते हैं. दो मोड्स होंगे, ऑटोट्रॉपिक एंड हेटरोट्रॉपिक. ठीक है, ऑटो का मतलब होता है सेल्फ, सेल्फ मतलब जो खुद से खाना बनाए. ठीक है, ऑटोट्रॉपिक का मतलब होगा वो प्लांट्स जो अपना खाना खुद बनाएंगे, वो मोड ऑफ न्यूट्रिशन जिसमें प्लांट्स अपना खाना खुद बनाएंगे, किसी भी दूसरे ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड नहीं होंगे. ठीक है, तो ये क्या होगा, द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म their food by themselves. ठीक है, क्या होगा, जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो अपना खाना खुद बनाएंगे, खुद से, किसी जैसे हम लोग हैं, हम अपना खाना खुद से नहीं बना पाते, हम प्लांट्स पर डिपेंड रहते हैं या दूसरे एनिमल्स पर डिपेंड रहते हैं. लेकिन जो ग्रीन प्लांट्स हैं वो क्या, एनिमल्स को खाते हैं या ह्यूमंस को खाते हैं, लेकिन वो अपना खाना खुद बनाते हैं. फ्रॉम कैसे, किस चीज से बनाएंगे, फ्रॉम सिंपलर सब्सटेंसेस. प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर. ठीक है, जो सिंपल चीजें एटमॉस्फेयर में ऑलरेडी प्रेजेंट है उनका यूज करके प्लांट्स अपना खाना बनाएंगे खुद से. ठीक है, कैसे बनाएंगे और कौन से सिंपल चीजों को हम लोग यूज करेंगे, कौन से सिंपल चीजें और प्रेजेंट है, देखो जैसे मान लो ये तुम्हारा प्लांट है. ठीक है, प्लांट में लीफ प्रेजेंट होते हैं, लीव्स में होती है तुम्हारी क्लोरोफिल. क्लोरोफिल क्या है, ग्रीन कलर का पिगमेंट होती है. ठीक है, ये हेल्प करेगी खाना बनाने में, प्लांट्स का खाना प्रिपेयर करने में ये हेल्प करेगी. ये कहाँ पे होते हैं, लीव्स में होती है. क्या होता है, ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है. ठीक है, अब आगे देखते हैं कि कैसे प्लांट्स खाना बनाते हैं. प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेंगे एटमॉस्फेयर से,
गैस प्रेजेंट है, एयर में गैस प्रेजेंट है, ठीक है, एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड ले ली, फिर वॉटर कहाँ से लेंगे, वॉटर सोयल से, ठीक है, सोयल से पानी ले लिया, उसके बाद क्लोरोफिल ऑलरेडी प्रेजेंट है प्लांट में, ठीक है, और सनलाइट मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर, सनलाइट सन से, ठीक है, बन गया उनका खाना कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है, ये बन गया उनका फूड। क्या करा, कार्बन डाइऑक्साइड ली एटमॉस्फेयर से, वॉटर लिया सोयल से, क्लोरोफिल उनके पास थी, क्लोरोफिल ने क्या करा है यहाँ पे, क्लोरोफिल ने कैप्चर कर लिया सनलाइट, जब तक सनलाइट नहीं होगी प्लांट्स अपना खाना नहीं बना पाएंगे, ठीक है, तो क्लोरोफिल ने कैप्चर करी सनलाइट और उनका फूड बन गया कार्बोहाइड्रेट। जो ये पूरी प्रोसेस थी, जो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का यूज करके इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल एंड सनलाइट प्लांट्स ने अपना खाना बनाया है, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं फोटोसिंथेसिस, ठीक है, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। देखो फोटो का मतलब लाइट, सिंथेसिस मतलब किसी चीज का बनना, किसी सब्सटेंस का बनना, क्योंकि लाइट की हेल्प से ही खाना बना है, तो हमने इस प्रोसेस को क्या बोला, फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस क्या है, फिर से प्लांट्स अपना खाना प्रिपेयर करते हैं फ्रॉम द सिंपल सब्सटेंसेस प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर विद द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल एंड सनलाइट, द प्रोसेस इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस, ठीक है, द प्रोसेस ऑफ मेकिंग फूड, ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा सनलाइट। अब देखो जो प्लांट्स हैं वो गैस कैसे एक्सचेंज करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड उनके अंदर कैसे जाएगी, तो प्लांट्स जो लीव्स होते हैं, लीव्स में छोटी छोटी पोर्स प्रेजेंट होते हैं, अगर उन पोर्स को हम माइक्रोस्कोप में मैग्नीफाई करके देखें तो वो कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, इसको बोलते हैं स्टोमेटा, स्टोमेटा से ही गैस लीफ के अंदर जाएगी, स्टोमेटा से ही गैस लीफ के बाहर आएगी, ठीक है, तो स्टोमेटा किसमें हेल्प करता है, गैशियस एक्सचेंज में, इसमें तुम्हारा गैशियस एक्सचेंज, ठीक है, कौन हेल्प करेगा, स्टोमेटा, और सनलाइट, सनलाइट को कैप्चर करने में कौन हेल्प करेगा, क्लोरोफिल, ठीक है, तो ये थी तुम्हारी फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस, ये था ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अब नेक्स्ट पे आते हैं हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा कि कैसे खाना बन रहा है, कैसे कैसे एक्सचेंज हो रही है, ठीक है, तो अब आ जाओ हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, वो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है जिसमें प्लांट सिंपल सब्सटेंस अपना खाना नहीं बना पाते, क्यों, क्योंकि वो फोटोसिंथेसिस नहीं करते, उनमें क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं होती, जो प्लांट्स जिनमें क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं होती वो हेटरोट्रॉफिक मोड का यूज करते हैं, मतलब वो दूसरों पर डिपेंड करते हैं, जैसे हम लोग हैं, हम फोटोसिंथेसिस नहीं करते, हमारे पास थोड़ा ना कोई क्लोरोफिल है, हम दूसरों पर डिपेंड रहते हैं, या तो हम अपना फूड प्लांट से लेते हैं या फिर अपना फूड हम किसी दूसरे एनिमल से लेते हैं, वैसे ही कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जिनमें क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं होती, वो दूसरे प्लांट्स या दूसरे एनिमल्स पर डिपेंड रहते हैं अपने फूड के लिए, ठीक है, द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म प्रिपेयर देयर फूड विद द हेल्प ऑफ अदर ऑर्गेनिज्म, ठीक है, अब इसके फर्दर टाइप्स हैं, पैरासिटिक, इंसेक्टिवोर और सेप्रोटोफिक। पैरासिटिक क्या है, देखो पैरासिटिक क्या होता है, जैसे मान लो ये एक प्लांट है, ठीक है, और दूसरा प्लांट है ये इसी पे रह रहा है, ठीक है, ये दूसरा प्लांट इसी पे रह रहा है, कैसे भी करके, जैसे अमर बेल होती है तुम्हारी, अमर बेल अपने न्यूट्रिशन के लिए दूसरे प्लांट्स पे रहती है,
तो ये प्लांट, ये मान लो ये प्लांट है, ये इस पे रह रहा है ब्लैक वाले प्लांट पे, ये जो ब्लू कलर का प्लांट है ब्लैक प्लांट पे रह रहा है, तो ये ब्लू प्लांट ब्लैक प्लांट से अपना खाना ले रहा है, ठीक है। तो ये कौन सा मोड हो गया, ये तुम्हारा हो गया इंसेक्टिवोरस, इंसेक्टिवोर सॉरी पैरासिटिक, पैरासिटिक, ठीक है, ये मोड हो गया तुम्हारा पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अब इसे पैरासिटिक क्यों बोला, जैसे अमरबेल है, अमरबेल को ग्रोथ के लिए दूसरे प्लांट के सहारे की जरूरत होती है, ठीक है, तो ये पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन से अपना खाना खाती है। पैरासिटिक क्यों बोला, ये जो ब्लू वाला है जो दूसरे, जैसे हमारे घर में कोई आता है हम होस्ट हो जाते हैं, और जो हमारे घर में आया है वो क्या होता है, हमारे लिए गेस्ट होता है, ठीक है, हम उसके लिए होस्ट होते हैं। वैसे ही ये जो प्लांट है जिसपे ये दूसरा प्लांट आया है, ये कौन सा प्लांट हो गया, होस्ट हो गया ये, और ये जो आया है ब्लू वाला ये हो गया पैरासाइट। पैरासाइट वही होते हैं जो दूसरी चीजों पे रहते हैं, किसी और चीज के अंदर रहते हैं, उसी से अपना फूड लेते हैं और वहीं पे रहते हैं, ठीक है। तो ये प्लांट हो गया तुम्हारा पैरासाइट, और जिसपे वो आया, जिससे वो फूड ले रहा है, वो हो गया होस्ट प्लांट। और इस मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हमने बोला पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है। नेक्स्ट मोड पे आ जाओ, नेक्स्ट तुम्हारा इंसेक्टिवोरस, खाते हैं, जैसे एक है तुम्हारा पिक्चर प्लांट, कुछ इस तरह का दिखता है वो पिक्चर प्लांट, ठीक है, ये उसकी लिड होती है। क्या होता है, मान लो कोई इंसेक्ट इसके आसपास आएगा, कोई भी इंसेक्ट मान लो यहाँ पे आया है एक्स वाई जेड, ठीक है, तो ये यहाँ पे अगर बैठेगा तो इस प्लांट के अंदर डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं, ये क्या करेगा इंसेक्ट इसके अंदर चला गया, ये जूसेस इसको डाइजेस्ट कर देंगे। जब ये इंसेक्ट इसके अंदर जाएगा ना, ये लिड बंद हो जाती है, बंद हो जाएगी, और वो इंसेक्ट बाहर नहीं निकल पाएगा, और उसको तो अपना खाना मिल गया, पूरा न्यूट्रिशन ले गया, ठीक है। एग्जाम्पल है पिक्चर प्लांट, जो है क्या इंसेक्ट खाता है, तो ये कौन सा मोड हो गया इंसेक्टिवोरस मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ सेप्रोट्रोपिक, सेप्रोट्रोपिक सेप्रोट्रोपिक में क्या होता है, वो मोड ऑफ न्यूट्रिशन जिसमें ऑर्गेनिज्म डेड और डिकेइंग मैटर पे खाता है, डेड और डिकेइंग मैटर मतलब जो गला सड़ा है, जो मर चुका है, उसको खाएगा। जैसे तुमने देखा होगा जब कई बार ब्रेड खराब हो जाता है, वही खाने वाला ब्रेड तुम घर पे खाते हैं, वो खराब हो जाता है, तो उस पर ग्रीन ग्रीन कलर का कुछ पिगमेंट नजर आता है कि कुछ लग गया है कि कुछ है, जिसको हम बोलते हैं कि फंगस लग गई है, ब्रेड पे फंगस लग गई है, ठीक है। तो फंगस किसके एग्जांपल है, सेप्रोट्रोपिक का, वो सड़े हुए ब्रेड पे क्यों लगी, क्योंकि सड़े हुए ब्रेड से उसको न्यूट्रिशन मिल रहा है, और जहाँ से इसे न्यूट्रिशन मिलेगा वहीं पे तो जाके ग्रो करेगी, ठीक है। तो ये ऐसे जो प्लांट, जो ऑर्गेनिज्म सेप्रोट्रोपिक मोड से अपना न्यूट्रिशन लेते हैं, उनको हम बोलते हैं सेप्रोट्रोप्स, ठीक है। तो ये फंगस क्या हुई तुम्हारी, सेप्रोट्रोप, ठीक है। क्या करती है, ये डेड और डिकेइंग मैटर पे खाती है, क्यों क्यों ग्रो कर रही है वहीं पे, डेड जो चीज सड़ चुकी है वहां पे क्यों ग्रो कर रही है, क्योंकि उसे न्यूट्रिशन मिल रहा है, जहां से न्यूट्रिशन मिलेगा वहीं पे ग्रो करेगी, ठीक है। तो ये मोड्स हो चुके हैं। लास्ट टॉपिक है हमारा सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, ठीक है। जैसे मान लो मैं हूँ या आप हैं,
हम दोनों का एक दूसरे से फायदा हो रहा है, आपकी फीस से मेरी सैलरी आ रही है, मैं आपको कुछ सिखा रही हूँ, तो दोनों का एक दूसरे से फायदा हो रहा है, ठीक है। तो कौन सा रिलेशनशिप हो गया? सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, ठीक है। वैसे ही दो प्लांट्स या एक प्लांट और एक बैक्टीरिया या एक प्लांट और एक फंगस, दोनों के बीच में कुछ ऐसा रिलेशनशिप होता है जिससे दोनों को फायदा हो रहा है। एग्जाम्पल देखो, इसकी डेफिनेशन क्या होगी? इन विच ऑर्गेनिजम्स शेयर बोथ फूड एंड शेल्टर विथ ईच अदर, जिसमें फूड शेयर कर रहे हैं, शेल्टर मतलब रहने की जगह शेयर कर रहे हैं, ठीक है। एक एक लेग्यूमिनस प्लांट होता है, लेग्यूमिनस प्लांट, लेग्यूमिनस प्लांट का एग्जांपल है जैसे तुम्हारी दालें वगैरह होती हैं, पल्सेस होती हैं, पी प्लांट होता है, इन सारों को हम लेग्यूमिनस प्लांट बोलते हैं, ठीक है। लेग्यूमिनस प्लांट की रूट्स में एक बैक्टीरिया रहता है, उस बैक्टीरिया का नाम क्या है? उस बैक्टीरिया का नाम है राइजोबियम। लेग्यूमिनस प्लांट की रूट्स में रहता है राइजोबियम, ठीक है। तो इसे क्या मिल रहा है यहाँ से? रहने की जगह मिल रही है लेग्यूमिनस प्लांट से इसको, राइजोबियम बैक्टीरिया को, ठीक है। तो इसे तो रहने की जगह मिल गई, ये बदले में इसे क्या कर रहा है? बदले में ये क्या करता है? जो एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन है उसको कन्वर्ट कर देता है सोल्यूबल फॉर्म में। देखो, कोई भी प्लांट है उसे ग्रोथ के लिए, न्यूट्रिशन के लिए नाइट्रोजन चाहिए ही चाहिए। अब तुम बोलोगे ऑलरेडी एटमोस्फेयर में इतनी प्रेजेंट है 77, 78, ठीक है, तो वो वहीं से क्यों नहीं ले जाता जैसे कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन एक्सचेंज? नहीं, जो प्लांट्स होते हैं वो डायरेक्टली एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन है उसे नहीं इनहेल कर सकते, उसे इनहेल नहीं कर सकते। पहले उस नाइट्रोजन को हमें उसकी सोल्युबल फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ता है या फिर सोइल में मिक्स करना पड़ता है, ठीक है, तभी प्लांट ले पाते हैं। इसीलिए इस लेग्यूमिनस प्लांट की कौन हेल्प कर रहा है नाइट्रोजन को और सोल्युबल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए? राइजोबियम। राइजोबियम एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को उसकी सोल्युबल फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है, फिर ये उसे अपना न्यूट्रिशन देते हैं। मतलब ये उसे क्या दे रहा है कि जगह जगह हो गया दोनों का सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, ठीक है। ये था तुम्हारा सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। जब और हाँ एक चीज हो, जब ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन सोल्युबल फॉर्म में कन्वर्ट होगी तो सॉइल में मिक्स होगी। सोइल में मिक्स हुई तो क्या सोइल में न्यूट्रिएंट्स ऐड हुए ना? क्या होता है, क्यों बार बार जरूरत होती है उसे कन्वर्ट करने की? देखो, क्योंकि एक बार हमने क्रॉप उगाई, वो काटी, तो जब क्रॉप के कटने वो जितनी नाइट्रोजन उस सोइल में प्रेजेंट थी वो क्रॉप से सारी ले ली। अब कटने के बाद, हार्वेस्टिंग के बाद, तो वहाँ पे तो डेफिशिएंसी होगी ना, नाइट्रोजन की कमी होगी, इसलिए फिर से जरूरत सारी नाइट्रोजन है उसको बार बार सोल्युबल फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ता है। इसीलिए हमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की हेल्प की जरूरत होती है, या फिर हम मैन्योर्स ऐड कर देते हैं या फर्टिलाइजर्स ऐड कर देते हैं, ठीक है। लेग्यूमिनस की प्लांट की हेल्प करते हैं तुम्हारा राइजोबियम बैक्टीरिया। ये था तुम्हारा चैप्टर न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। इसमें हमने क्या क्या करा? मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन दो मोड थे मेनली, ऑटोट्रॉफिक मोड था और हेटरोट्रॉफिक मोड था। ऑटोट्रॉफिक में क्या था? जो प्लांट अपना खाना खुद बना लेते, ठीक है, और हेटरोट्रॉफिक में जो दूसरों पर डिपेंडेंट थी, जैसे पैरासिटिक में होस्ट प्लांट और पैरासाइट प्लांट आ गया था, इंसेक्टिवोरस में वो इंसेक्ट खा रहा था, सेप्रोट्रॉपिक में वो डेड डिकेइंग मेटल भी खा रहा था, ठीक है। और सिम्बायोटिक रिलेशनशिप क्या था? जिसमें दोनों को एक दूसरे से फायदा हो रहा था, ठीक है। तो ये था तुम्हारा चैप्टर न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। विल डू द नेक्स्ट चैप्टर।